नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी विद एके। दोस्तों, जीवन में हर किसी दंपत्ति का सपना होता है कि उसके घर में स्वस्थ, सुंदर और गुणी संतान हो। सनातन परंपरा में संतान का होना भी सौभाग्य का सूचक माना जाता है। पितृ ऋण से सभी मनुष्य तभी मुक्त होते हैं जब उनके घर में संतान पैदा होती है, क्योंकि संतान होने पर हमारे पितृ इस बात को लेकर आश्वस्त हो जाते हैं कि अब उनका श्राद्ध तर्पण करने वाला उत्तराधिकारी पैदा हो गया है। इसी तरह किसी भी स्त्री की खुशियां तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक वह मां नहीं बन जाती। यदि आपकी यह इच्छा अभी तक अधूरी है तो आपको एक बार अपनी कुंडली के उन योगों पर जरूर नजर दौड़ानी चाहिए जिनसे संबंधित श्राप के चलते अक्सर संतान प्राप्ति में बाधा आती है। आइए जानते हैं इस वीडियो में कुछ ऐसे योग के बारे में, या फिर कहें कि श्राप के बारे में, जो अक्सर संतान उत्पत्ति की राह में कांटे बनने का काम करते हैं। दोस्तों, यदि आप किसी प्रेत के श्राप से पीड़ित हैं और संतान प्राप्ति में लगातार बाधा आ रही है, तो आपको गया तीर्थ में विधि विधान से श्राद्ध कराकर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। संभव हो तो गाय का दान भी करना चाहिए। यदि आप मात्र श्राप के चलते संतान सुख से वंचित हैं, तो आपको रामेश्वरम तीर्थ में स्नान करना चाहिए और दूध से भरा चांदी का बर्तन किसी योग्य ब्राह्मण को दान करना चाहिए। इस उपाय को करने से शीघ्र ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। यदि आप पत्नी श्राप से पीड़ित हैं और संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है, तो आपको श्री लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा का विधि विधान से पूजा करना चाहिए। साथ ही गाय एवं सैया का दान करना चाहिए। कन्यादान भी इस श्राप से मुक्ति का प्रभावी उपाय है। यदि आप ब्राह्मण श्राप के चलते संतान सुख को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको चंद्रायण व्रत विधि विधान से करना चाहिए और ब्राह्मण को भोजन कराकर एक दूध देने वाली गाय दान में देनी चाहिए। यदि आप भातृ श्राप के चलते संतान सुख से वंचित हैं, तो आपको भगवान विष्णु की पूजा और उनकी कथा का श्रवण करना चाहिए। साथ ही आपको यमुना अथवा कृष्णा नदी में स्नान करना चाहिए। यदि इस समय आप वहां पर नहीं जा सके, तो आपको पीपल का पेड़ अपने आसपास लगाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। हमने बात की कि संतान सुख की प्राप्ति में जो बाधा है, जो श्राप है, उनसे आप कैसे बचे और उनके क्या उपाय हो सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।